गर्मी का आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। वायनाड में राहुल गांधी त्रिकोणीय मुकाबले में घिरे हैं, शायद इसीलिए अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव लड़ाने की मांग जोर पकड़ रही है। वहीं कांग्रेस का एक धड़ा रायबरेली से प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारने की मांग करवा रहा है। सवाल है कि आखिर गांधी परिवार अपने गढ़ को बचाने के लिए इतने कशमकश क्यों कर रहा है, उसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। अमेठी के दंगल में उतरेंगे राहुल गांधी। रायबरेली में प्रियंका गांधी की दावेदारी। चौबीस में गढ़ बचा पाएगा गांधी परिवार। राहुल प्रियंका पर अभी भी सस्पेंस क्यों? दो चरण के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की 16 सीटों पर वोटिंग के बाद कांग्रेस ने अब तक अमेठी और रायबरेली के उम्मीदवारों के नाम तय नहीं किए हैं, लेकिन गांधी परिवार का गढ़ कही जाने वाले इन सीटों पर राहुल और प्रियंका गांधी की दावेदारी की जोरदार मांग की जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है कि गांधी परिवार के सदस्य अपने गढ़ को बरकरार रखें। कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। नामांकन की तारीख 3 मई जैसे जैसे करीब आ रही है, अमेठी रायबरेली पर बना सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने केंद्रीय चुनाव समिति के फैसले को मानने का ऐलान पहले ही कर रखा है, तब फिर इतनी देर क्यों लग रही है? अमेठी से राहुल गांधी की उम्मीदवारी का अनुमान स्मृति ईरानी भी लगा रही हैं। इसकी वजह बताते हुए स्मृति ईरानी ने जो कहा वो कम चौंकाने वाला नहीं है। रिश्तों की दुहाई इतनी थी, फिर वायनाड चले गए। वायनाड जाकर जब नामांकन पत्र भरा तो घोषित कर दिया कि अब वायनाड ही उनका परिवार है। हमने कहा वाह भैया, लोगों को रंग बदलते देखे थे, परिवार बदलते पहली बार देखे। अरे औरत भी जब ब्याह करती है, ससुराल जाती है, तो जीवन भर मायके का सम्मान रखती है भैया। लेकिन ये तो अद्भुत ही है, ना रिश्तों का सम्मान रखा, ना लापता सांसद को झेलना, इतने साल उसका सम्मान रखा। वायनाड में वोटिंग के बाद अटकलें थी कि ये सीट राहुल गांधी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने केरल के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड में उतारा है। इंडिया गठबंधन बनने के बावजूद राहुल गांधी के खिलाफ लेफ्ट ने एनी राजा को कैंडिडेट बनाया है। वायनाड में राहुल गांधी त्रिकोणीय मुकाबले में घिरे हैं। लेफ्ट कैंडिडेट के मैदान में आने से वायनाड का समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। वायनाड लोकसभा सीट में शामिल 3 विधानसभा क्षेत्र मलप्पुरम जिले के हैं, जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक आबादी ज्यादा है। मलप्पुरम में 70% मुस्लिम आबादी है। कोझिकोड जिले की एक विधानसभा सीट वायनाड में आती है, जहां 56% हिंदू और 39% मुसलमान वोटर हैं। इस तरह से देखें तो वायनाड जिले से बाहर की 4 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी ही जीत हार में अहम भूमिका निभाएगी। इस लोकसभा सीट पर अल्पसंख्यक आबादी का असर साफ देखा जा सकता है, क्योंकि वायनाड में मुस्लिम आबादी 45.5%, ईसाई 12.5%। इस तरह से अल्पसंख्यक आबादी मिलकर 58% हो जाती है। वायनाड सीट पर हिंदू आबादी 41.5% है। वायनाड में हिंदू वोट का ध्रुवीकरण बीजेपी की राह आसान बना देगा, साथ ही कांग्रेस के बेस वोटरों में लेफ्ट के गहरी सेंध लगाने की भी पूरी आशंका है। कांग्रेस और लेफ्ट की फाइट में बाजी बीजेपी के हाथ लग सकती है। हालांकि वायनाड में राहुल गांधी ने पिछले चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की थी।
19 के चुनाव में राहुल गांधी ने वायनाड सीट 4,31,000 वोटों से जीती, जो पूरे केरल में 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक अंतर है। राहुल गांधी को 7,06,367 वोट मिले, जबकि एलडीएफ उम्मीदवार पीपी सुनीर को 2,74,597 वोट मिले। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के बीडीजेएस नेता तुषार वेल्लापल्ली को मैदान में उतारा था, जिन्होंने 78,800 वोट हासिल किए थे, जो कुल वोटों का लगभग 7.25% था। कोई आरोप जो लगाए वो उसको प्रूव नहीं कर पाए, और वो हमेशा मैंने उनको चैलेंज भी किया अपने सोशल मीडिया के द्वारा। मैंने बोला कि अगर कुछ भी गलत होता है, अगर मैं किसी व्यक्ति से मिलता हूँ तो वो आरोप को प्रूव करे, नहीं तो मतलब वो बिल्कुल बेबुनियाद ऐसे इल्जाम ना लगाए। साले साहब को मांग रहे थे, उनका जीजा हो या साला, अमेठी में हर वोटर है मोदी का मतवाला, भैया भूल जाओ। सही कह रहे हैं, क्योंकि जीजा जी आएंगे तो सुरेश सबको, और जीजा जी की नजर जगदीशपुर पे है, कह रहे हैं जीजा जी आएंगे तिवारी जी तो बाग के कागज छुपा लेना, जीजा जी आएंगे तो घर के कागज छुपा लेना तिवारी जी, जीजा की नजर पक्की है। लेकिन फिर कहते हैं जीजा हो या साला, अमेठी में हर वोटर मोदी का मतवाला। वायनाड में राहुल गांधी का भविष्य सुनिश्चित है या नहीं, ये तो 4 जून को पता लगेगा, लेकिन अमेठी में उनकी जगह रॉबर्ट वाड्रा के चुनावी पोस्टर जरूर चमकाए गए हैं। अमेठी और गौरीगंज में कांग्रेस कार्यालय समेत अन्य जगहों पर रॉबर्ट वाड्रा को चुनाव लड़वाने की मांग को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं। रॉबर्ट वाड्रा भी चुनावी दंगल में किस्मत आजमाने का इशारा पहले ही कर चुके हैं। अमेठी में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत 20 मई को वोटिंग होगी। स्मृति ईरानी धूमधाम से अपने नामांकन की तैयारियों में लगी हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रायबरेली सीट पर भी कांग्रेस दुविधा में दिख रही है, जहां से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की डिमांड है, मगर कांग्रेस पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है, जबकि बीजेपी इसी इंतजार में है कि कांग्रेस उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो और वो रायबरेली सीट पर तुरुप का पत्ता चले। रायबरेली के लिए बीजेपी ने बड़ी रणनीति तैयार की है। बीजेपी रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार के घोषणा का इंतजार कर रही है। कांग्रेस के बाद ही बीजेपी यहां अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। रायबरेली सीट कांग्रेस का मजबूत गढ़ रही है। सोनिया गांधी यहां से लगातार 4 बार सांसद रही हैं, मगर इस बार उन्होंने लोकसभा की बजाय राज्यसभा की राह चुन ली, जिसके बाद रायबरेली सीट पर भी कांग्रेस की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। इसके पीछे बीएसपी का जला दांव भी माना जा रहा है। रायबरेली सीट से बीएसपी ने ठाकुर प्रसाद यादव को प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। बीएसपी के यादव गांव की कार्ड तलाशने के लिए भी कांग्रेस में मंथन चल रहा है, हालांकि वक्त बेहद कम बचा है। रायबरेली और अमेठी के सस्पेंस से कांग्रेस को पर्दा उठाना ही होगा। तो इसराइल और हमास का युद्ध दिनों दिन और भीषण होता चला जा रहा है। रफाह कैंप से इजरायली हमले की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। एम वक्त पर नेतन्याहू किसी की नहीं सुन रहे हैं, यहां तक कि अमेरिका की भी नहीं। नेतन्याहू ने रफा पर हमले रोकने के एवज में 33 बंधकों की रिहाई मांग ली है। हमास जब तक इन बंधकों को छोड़ नहीं देता, गाजा और रफाह में तबाही का मंजर दिखाई देने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। उठता गुबार, आसमान के सफेद रंग पर काला कर रहा है। बम के धमाकों की गूंज गाजा के गली गली में खून बहा रही है, और इस बीच मदद के लिए आकाश से गिराए जा रहे भूखे पेटों के लिए भोजन। गाजा में जिंदगी और मौत दोनों का फासला मिट गया है। इजराइल अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ गाजा को रौंद रहा है।
प्रचंड युद्ध के आगाज के बाद गाजा के निवासी सुकून का एक पल भी गिन गिन कर जी रहे हैं। पता नहीं कब बम का गोला गिरे और जान चली जाए। गाजा की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट आपको आगे दिखाएंगे। उसके पहले एक चौंका देने वाली रिपोर्ट जो बताती है कि गाजा की मिट्टी बारूद से नहा चुकी है। तबाही किस लेवल पर और कितनी हुई है ये देखकर आप सन्न रह जाएंगे। गाजा की बर्बादी के इनसाइड स्टोरी जो पश्चिमी मीडिया में छप रही है वो दिखाने से पहले इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के लिए एक बुरी खबर आई है, वो देख लीजिए। बेन्यामिन नेतन्याहू को डर है कि आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर सकता है। ये कार्यवाही गाजा में इजरायली एक्शन के मामले में हो सकती है। इसके लिए दक्षिण अफ्रीका समेत अन्य देशों ने याचिका दाखिल की है। इसके पहले आईसीसी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। पुतिन पर आरोप है कि वो यूक्रेनी बच्चों को अवैध तरीके से रूस लेकर आए। आईसीसी के इस कदम की तुलना टॉयलेट पेपर से करते हुए रूसी अधिकारियों ने इसे बेकार बता दिया था और पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बंद करने की जगह और बढ़ा दी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की ताकत कितनी है, क्या आईसीसी पुतिन और नेतन्याहू जैसे नेताओं को गिरफ्तार कर सकता है, इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले नेतन्याहू के नए इरादे देख लीजिए। नेतन्याहू ने कहा है कि मेरे नेतृत्व में इसराइल अपनी आत्मरक्षा और अधिकार को कमजोर नहीं होने देगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के किसी भी प्रयास को हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मध्य पूर्व एकमात्र लोकतंत्र और दुनिया के एकमात्र यहूदी देश के सैनिक और अधिकारियों को गिरफ्तार करने की धमकी अपमानजनक है। हम इसके आगे नहीं झुकेंगे। नरसंहार करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम अपनी रक्षा करना कभी बंद नहीं करेंगे। मैसेज लाउड एंड क्लियर है, इसराइल हमास के अंतिम आतंकवादी के खात्मे तक युद्ध बंद नहीं करने वाला है। आईसीसी के चेतावनी का असर उल्टा हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आईसीसी के फैसले से होने वाले दबाव से ध्यान हटाने के लिए इसराइल कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि कुछ दिनों पहले ही नेतन्याहू ने ब्रिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की थी। इस मामले में मदद भी प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने मोसाद हेडक्वार्टर और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों का दौरा भी किया है। मोसाद के अधिकारियों से कहा है कि हमारे अस्तित्व पर संकट है, इसलिए मतभेदों को भुलाना होगा। मतलब इसराइल ने गाजा को नस्तोनाबूद करने के लिए एक और सीक्रेट प्लान की तैयारी कर ली है। रफा में लगातार इजरायली हमले इसकी बानगी। इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का कोई असर नहीं है, लिहाजा ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या आईसीसी के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो इजरायल के खिलाफ कार्रवाई कर सके। इंटरनेशनल कोर्ट अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के खिलाफ मामला लेता है। नीदरलैंड के हेग में इसका बेस है और कुल 123 देश इसके सदस्य हैं। 2002 में बना ये कोर्ट वॉर क्राइम, मानवीयता पर खतरे, नरसंहार और दंगे फसाद के अपराधियों पर कार्रवाई की बात करता है। लेकिन इसके पास कोई पुलिस फोर्स नहीं है, यानी सदस्य देशों पर इसके फैसले को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी होती है। आईसीसी ने प्रक्रिया तो शुरू कर दी है, लेकिन ये लगभग असंभव है कि इंटरनेशनल कोर्ट नेतन्याहू पर हाथ डाल सके। अपने लगभग 24 साल के इतिहास में ऐसा कोई भी मामला नहीं जिसमें इसने किसी देश के नेता या ताकतवर शख्स के खिलाफ कार्रवाई की हो। तो आईसीसी भले ही फैसला सुनाए, उसे जमीन पर उतारना मुश्किल दिख रहा है। नेतन्याहू इस बीच फुल एक्शन में है।
और गाजा के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं उसका नतीजा दिखाती एक रिपोर्ट सामने आई है। इजराइल के गाजा में जारी हमलों से किस तरह का नुकसान हुआ है इस पर संयुक्त राष्ट्र के एक शीर्ष खनन अधिकारी ने बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गाजा में जारी युद्ध ने अब तक 37 मिलियन टन मलबा पैदा किया है। इस मलबे में बड़ी संख्या में बिना फटे बम शामिल हैं, जिनको हटाने में करीब 14 साल का समय लग सकता है। गाजा में प्रति वर्ग मीटर जमीन पर औसतन 300 किलो मलबा है। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में इस वक्त मलबे की जो स्थिति है उसे 100 ट्रकों के साथ हटाने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।